संजय राउत तो कुत्ता बता रहा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, उनका जो एक ट्वीट किया था है, अरे भैया तुम जो भारत की एजेंसीज को कुत्ता बताते फिर रहे हो, से पैसे वापस करने से कोई निर्दोष साबित नहीं होता, पैसे लिए ही क्यों थे उसकी जानकारी देनी पड़ेगी कोर्ट में, ये क्या खेल है, मतलब तुमने पैसे लिए हैं जिस अकाउंट में, क्यों लिए पैसे और किस कारण से लिए हैं, जब तक आप उसकी पूरी पूरी जानकारी नहीं दे देंगे, जब तक आप 55 लाख रुपए लिए हैं प्रवीण राउत से, क्यों लिए हैं, किस कारण लिए हैं, क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा, उसकी जानकारी देनी पड़ेगी, और क्योंकि वो बंदा खुद एक्यूज्ड है, और वो जिसके SDI जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाता है, इस कंपनी को महाड़ा ने इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, जो मुंबई जो महाराष्ट्र डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, इसका मतलब जो एक्यूज्ड है उससे पैसे लेने का काम है, साधारण मसला नहीं है, ऐसे पैसे वापस देने से कोई निर्दोष साबित नहीं हुआ आज तक, ऐसे तो फिर क्या है, ऐसे जिनके घर में ड्रग्स निकल रहा वो भी ड्रग्स निकाल के कह देंगे ले भाई मैं हम तो वापस कर रहे हैं इसको, इसका मतलब ड्रग्स वापस कर दिए निर्दोष साबित हो गए वो, अरे ड्रग्स पाया गया तो इसका मतलब तो ये है कि उसको NDPS एक्ट के अंदर बुक किया जाएगा, इतना पाया गया है सजा होगी, और इतना पैसा पाया गया है उस आधार पर भी जो ये फंसे हुए नजर आ रहे हैं, अब तो इस चक्कर में घूम रहे हैं ये कि भाई किसी तरीके से हम इसको लीपापोती कर दें, लीपापोती करने के लिए अभी ये जो कभी क्रीट सोमैया को धमकी आ रही है, कभी किसी को धमकी आ रही है, इनका मतलब ये है कि तुम जो है तुम्हारे सारे घोटाले सेफ रहने चाहिए, तुमको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम तो चाहे तो जो कांग्रेस पार्टी को भी जो है आप जो आंखें दिखा करके खुद ही बन करके रहेंगे, और ये BJP को भी आंखें दिखा करके खुद ही बन के रहेंगे, लेकिन तुम निर्दोष साबित रहोगे, चाहे तुम्हारे खुलेआम अकाउंटों में पैसे भेजे कोई। संजय राउत तो कुत्ता बता रहा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, उनका जो एक ट्वीट किया था है, अरे भैया तुम जो भारत की एजेंसी को कुत्ता बताते फिर रहे हो। सर, संजय राउत की वाइफ संजय वर्षा राउत को जिस तरीके से ED ने समन किया था और उसके बाद जब पूछताछ के लिए एक और बार समन किया गया 11 तारीख का, तो ऐसा लग रहा है कि अब संजय राउत अब डरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वर्षा राउत ने जो 55 लाख रुपए जो लिए थे माधुरी राउत से वो वापस कर दिए हैं। आपको पता है बहुत बड़ा घोटाला है ये, आम आदमियों के पैसे फंसे थे, PMC बैंक का बहुत बड़ा घोटाला इंडिया के अंदर जिसको Republic TV ने उठाया था, जबरदस्त घोटाला है, रिजर्व मध्यम परिवर्गीय परिवार जो कोचिंग संस्थान चला रहे बेचारा कोई टीचिंग कर रहा है, उन लोगों के पैसे फंसे थे PMC बैंक में, क्यों फंसे थे, क्योंकि इस PMC बैंक ने 73% जो उनकी पूंजी थी उसका लोन दे दिया एक SDIL नाम की एक जो है बैंकक्रप्ट फर्म को, आप समझ लेना बात को, बैंकक्रप्ट फर्म को लोन यानी 73% पैसे लौटा दिए और वहीं पे रोक लगा दी कि अब जो कोई भी से पैसे नहीं निकाल सकता। आपको बता दूं 23 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि PMC बैंक से 50,000 रुपये तक ही आप पैसे निकाल सकते हो, फंस गए सबके पैसे, अब कहाँ से निकाले, एक तो बेचारी पैरों से नहीं चल सकती थी, PM मोदी को लेटर लिखा जी मेरे पैसे निकलवा दीजिए उसमें से, ये सारा मामला आया है। चलो आगे बात बताते हैं, जो ये वर्षा राउत है संजय राउत की जो पत्नी है, इसके अकाउंट में पता कितने 55 लाख भेजे हैं ना, दो किस्तों में भेजे हैं कैसे, 50 लाख रुपए तो इसके अकाउंट भेजे 23 दिसंबर 2010 को, ठीक है, और 15 मार्च 2011 को 5 लाख और भेजे किसके अकाउंट से गए, माधुरी राउत के अकाउंट से। माधुरी राउत किसकी वाइफ है, प्रवीण राउत की। प्रवीण राउत कौन है, ये SDIL नाम की जो कंपनी है, इसकी अपनी भी एक कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, उसकी ये सब्सिडरी है, किसकी सब्सिडरी, SDIL की, यानी उसी अंडर में काम करती है। SDIL कौन सी बैंकक्रप्ट कंपनी है, जिसके जो मालिक हैं वधावन ब्रदर्स, वो जो गिरफ्तार किए गए हैं मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा जो इकोनॉमिक विंग ने और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, दोनों ने मिलकर काम किया है इसमें, समझ लेना इस सारे खेल को। और ये काम कब हो रहा था, जब शिवसेना भाजपा की गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब जब वो सरकार जा चुकी है, नई सरकार में भी शिवसेना है और उन्हीं के पास लीडिंग पोजीशन है, तो इसका मतलब क्या है, आम आदमियों का पैसा लगा हुआ है। अब ये क्या करिए, वर्षा राउत संजय राउत ये कह रहे हैं हम तो वापस कर देंगे सारा पैसा। अच्छा, फिर तो ऐसे जो अपराध करते हैं फिर तो वो लोग क्या करेंगे, भाई ठीक है मैं माफ़ी मांग ली मैंने और मैं सारा पैसा वापस कर देता हूँ, मतलब ऐसे चलाओगे आप देश को। और जहाँ तक बात है ये आम आदमियों के पैसे लगे हैं, आम आदमियों के पैसे को डकारने का खेल चल रहा है सारा का सारा, और तुम बच करके घूमते रहो, तुम्हें कुछ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जब मामला आ जाए तुम वापस कर दो उन चीज़ों को। आपको पता है ये जो PMC का घोटाला है, इस मामले में शिवसेना ने क्या स्टैंड लिया है, NCP ने क्या स्टैंड लिया, वहाँ की सरकार ने क्या स्टैंड लिया, बताइए। सुप्रीम को यहाँ से जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने जो है इसमें कॉग्निजेंस लिया और इसमें जो वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो ये लिमिट है आपको बता दूँ, इसी साल में जो है इस साल के शुरुआत में इसकी लिमिट को 1 लाख तक कर दिया गया, भाई इतने तक आप निकाल लीजिए। अब आम लोगों का पैसा लगा हुआ है, मैं आपको और भी बता दूँ, ये जो है इनको फ्लैट बनाने के लिए ना, क्योंकि ये जो कंप्लेंट है
ये महाड़ा जो है ना, महाराष्ट्र डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी कंप्लेंट दर्ज हुई थी एसडीआईएल के खिलाफ। और ये जो उसमें क्या है, इन्होंने कुछ फ्लैट बनाने के लिए दिए थे महाड़ा ने, जो महाराष्ट्र डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कि इनको दिए थे, इस फर्म को दिए थे, लेकिन इन्होंने उनको फ्लैट ना बना करके उन सारे जो है अपने ही लोगों को सारे आवंटित कर दिए इन्होंने। उनमें 93 करोड़ रुपये की हेराफेरी प्रवीण राउत निकल ली। उन 93 करोड़ की जो है उसमें से 1.6 करोड़ इन्होंने अपनी वाइफ माधुरी को दे दिया, और उन्हीं 1.6 करोड़ में से 55 लाख रुपए इन्होंने माधुरी राउत को दिए, दो अलग अलग किस्तों में दिए, उसकी पूरी जानकारी दे दी। चलिए आ जाइए अब इस मामले पे। देखिए संजय राउत को तो अब ये नैतिक अधिकार नहीं है कि वो जब इन मामलों को सामने कौन लेने की कौन कोशिश कर रहा सामने लाने की, किरीट सोमैया बीजेपी के नेता हैं, तो किरीट सोमैया लगातार ट्वीट कर रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं। अब मामला आ रहा है वो इस किरीट सोमैया को धमकी आ रही है। अब मैं बताऊँ क्या होता है, किरीट सोमैया को बीजेपी ने आगे किया हुआ है कि जो मुंबई में जब घोटाले से संबंधित मामले, तुम इनको आगे लाते रहो, इसलिए कोई भी मामला आता है ना, क्रीट सोमैया सबसे पहले ट्वीट करते हैं, वही सबसे आगे आते हैं, क्योंकि देखो ये तो पार्टी की रणनीति होती है कि हमने किसको आगे करना है। तो बीजेपी ने रणनीति के तहत डॉक्यूमेंट, मान लीजिए मेरे पास डॉक्यूमेंट है और मैं किसी एक नेता को अपने हाथ से डॉक्यूमेंट दे दूं, भाई तू जा दिखा दे मीडिया में जाकर के, तो उसी की इमेज बनेगी ना जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट होंगे, साधारण आदमी की इमेज नहीं बनेगी। ये तो पूरी प्लानिंग के तहत जो है क्रीट सोमैया को दे रहे, भाई तू घोटाले सामने ला, महाराष्ट्र की जो सरकार है तेरे हाथ में हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तू ले जा। और डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में कैसे नहीं है बताइए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपको पता है, यही संजय राउत तो कुत्ता बता रहा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, उनका जो एक ट्वीट किया था है, अरे भैया तुम जो भारत की एजेंसीज को कुत्ता बताते फिर रहे हो, ये कितनी मेहनत से काम कर रही है, ये भारत का सुप्रीम कोर्ट भी इन पे पूरा गर्व करता है, इनको पूरे आदेश देता है कि भाई आप ऐसे ऐसे चीज़ों को निकाल करके लेके आइए। और इनको क्या है कि इस देश के अंदर जो भी लोग जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोग हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसे राम जेठमलानी थे, अभी सुब्रमण्यम स्वामी हैं, और ये एजेंसीज हैं, अरे इनके दम पर ही तो सारी चीज़ें उजागर होती हैं, या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर किया करते हैं और या फिर एजेंसीज किया करती हैं। तो हमने भी जब पब्लिक प्रोसिक्यूटरों पर मामला आता तब भी हम बचाव में आते हैं, भाई इनको भी आप परेशान मत कीजिए क्योंकि ये भी देश के लिए काम कर रहे हैं। तो अब मामला आ रहा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भारत सरकार को रिपोर्ट करती है, कोई साधारण एजेंसी नहीं है, इसी तरीके से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसी तरीके से जो एनसीबी है, तो ये जो सारी एजेंसियां हैं, अगर आप इनको जो भारत की व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहे हो, आप अगर इनको आप कुत्ता बता रहे हो, तो इसका मतलब क्या, भारत की व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहे हो, भारत के संविधान को नहीं मान रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ इस मामले में इन पर जो कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए। तरफ ये भी है कि संजय राउत इस तरीके की बातें करते हैं ईडी और सीबीआई को लेकर के, वो कुत्ते हैं और उनसे कंपेयर करते हैं, ये ट्वीट काफी ज्यादा पुराना हो गया, 1-2 महीने पहले उन्होंने ये ट्वीट किया था। और सवाल अगर ये करें कि ईडी पे सवाल उठाने का, तो ईडी पर भी ये कहते हैं कि मोदी सरकार है वो अपनी पावरों का गलत इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ईडी उन्हीं के अंडर आती है, इस तरीके की बातें भी संजय राउत करते हैं। और यहाँ पे संजय राउत ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जिस पे निशाना साध रही है, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो हमारी सरकार नहीं बिगड़ेगी ना ही तो टूटेगी। इस तरीके से तो पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर रोज आरोप लगते हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, इस तरीके की बातें कह रहे हैं संजय राउत। देखो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जिस दिन ये ट्वीट किया है ना ईडी को कुत्ता बताने का, इसने ये जो सम्मान है उसकी पत्नी को उससे पहले आया पड़ा है, दो सम्मान तो उससे पहले आए पड़े हैं, ये मैं क्लियर कर दूं। अगर कोई सोचता है कि भाई उसने ईडी पे वार किया उसके बाद में इसकी वाइफ पे इंटरोगेट करे, नहीं, टाइमिंग चेक कर लेना, जिस वक्त संजय राउत ने ईडी को लेकर के ट्वीट किया उससे पहले दो सम्मान आ चुके हैं वर्षा राउत को, तो तीसरा सम्मान आया है इसको, ये तो मीडिया में आया है, जब उन पे बिल्कुल गला घोट दिया गया है ना उनका, तब वो मीडिया में सामने आए, उससे पहले दो सम्मान आ गए हैं, उससे पहले वो समझ रहे थे तुम इतनी बड़ी चीज हो, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ थोड़ी सकता है। लेकिन अब मामला ये, मैं बता रहा हूँ पहले ये बात, भाई अब अगर भारत सरकार टारगेट कर रही है उसको, अरे आप कानूनन सही होने चाहिए, भारत सरकार काहे को टारगेट करेगी आपको, ये तो जो है सेंट्रल एजेंसीज हैं, आप कोर्ट, ये कोर्ट को जो जा करके अपनी रिपोर्ट देती है, तो आप कोर्ट में जाके अपने आप को निर्दोष साबित कर दो, अगर आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कर दो साबित आप वहाँ पर जाकर के, ये क्या खेल है। और दूसरी बात ये है कि आप भी निकाल के ले आओ ना, आपको किसने रोका है, आप ले आओ, आप सारे डॉक्यूमेंट निकलवा करके ले आओ, आप पेश कर दो मीडिया के अंदर, पेश कर दो, दूध का दूध पानी का पानी, अगर आप सच हो तो। लेकिन आप सम्मान पे नहीं जाओगे, तीसरी बार सम्मान आया है मतलब ये क्या, मतलब खुलेआम उल्लंघन नहीं है क्या, आप मुझे बताइए, मतलब तुम कानून से बड़े हो गए, सम्मान पे नहीं जाओगे, अब कह रहे हैं हम वापस दे रहे हो उनको सारे पैसों को, वापस क्यों दे रहे हो, ये तो फिर एक्सेप्ट कर रहे हो, आपने लिए हैं पैसे, आपने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो शिवसेना की वहाँ सरकार है, ये जब संजय राउत साहब सामना में लिखते रहते हैं, नई नई बातें लिखते रहते हैं, कभी कह रहे हैं यूपीए जो है एक एनजीओ है और इसका जो चेयरमैन, इसको बना दो आप, किसको बना दो, शरद पवार को बना दो, अच्छा शरद पवार को बना दो, मतलब इसका मतलब ये एनसीपी और शिवसेना मिल करके
और वहाँ पे जो है एक ऐसा गठबंधन तैयार करेंगे जो वहाँ से इन पार्टियों को निकाल फेंकेंगे, यही दिखाना चाह रहे हैं ना आप, इसलिए कांग्रेस इनसे नाराज है। और सोनिया गांधी ने लेटर लिखा उद्धव ठाकरे को, आज आपको बता देना चाहता हूँ, ये सरकार भी टूटने के कगार पे, और लेटर लिखा है, वो लेटर मैंने पिछले इंटरव्यू में छिपरा जी को दिखाया है जो आपकी जगह इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, तो उस लेटर में क्या है कि उन्होंने कहा है कि भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है हमारा और आपके बीच जो गठबंधन हुआ उसको पूरा कीजिए। वो क्यों बोला उन्होंने, वो इसलिए बोला है क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखा है 5% मुस्लिम आरक्षण की बात, उन्हें पता शिवसेना ये काम नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी तो हमें ग्राउंड मिल जाएगा इस गठबंधन से बाहर आने का, आप समझ लेना चीज को। और उसके अंदर उन्होंने जो है आदिवासी और दलितों के लिए जो योजनाएं उनको चालू करने की बात करी है, कांग्रेस ने करी है, कांग्रेस ने बात करी है, तो कांग्रेस ने ये लेटर किसके हाथ से उद्धव ठाकरे को दिलवाया है, जो महाराष्ट्र का कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट है कौन, बाला साहब थोराट, अपने हाथ से लेटर दे गया है। क्यों दे गया है, क्योंकि जो बात लेटर में लिखी है उसको वर्बली मुंह से बोल के बताए उद्धव ठाकरे को, भाई ये करके दिखाओ आप हमें, ये किस लिए करके दिखाओ, उन्हें पता जब ये नहीं करेगा तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दे देंगे भैया ये इन्होंने हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को पूरा नहीं कर रहे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होता है, क्योंकि जब भी गठबंधन होता है तो उसमें कुछ पॉलिसीज कांग्रेस की, कुछ पॉलिसीज एनसीपी की, कुछ पॉलिसीज शिवसेना की, तीनों की पॉलिसीज को इकट्ठा करके एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहते हैं। न्यूनतम बात है कि जिस तरीके से इस महागठबंधन के जो महाराष्ट्र में सरकार बना के ये तीनों पार्टियां बैठी हैं, ये एक एक करके सारे घोटाले सामने आ रहे हैं, जमीन का हो या फिर इनके जिस तरीके से रेप के इनके विधायकों पर आरोप लग रहे हैं, सारी चीजें जितनी तमाम तरीके से निकलकर बाहर आती हैं। उसके बाद भी संजय राउत ये कहते हैं कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से हमारी पार्टी के ऊपर, हमारी सरकार को इन सारी चीजों से कोई खतरा नहीं है और हम इस तरीके से इस्तीफा नहीं देंगे, तो मतलब इस तरीके की चीजों से निकलकर सामने आ रही है। देखिए इस्तीफे की बात तो ऐसी है कि जब जिस दिन डंडा चलता है ना कानून का, इस्तीफा अपने आप हो जाता है, कोई रहमोकरम नहीं करना पड़ता इस्तीफा देने का, जेल चले जाते हैं तो इस्तीफा अपने आप हो जाता है। और हम आपको ये भी बता दें कि वहाँ पे एक मामला नहीं है, वहाँ पे इतना बड़ा स्कैम हुआ था सिंचाई घोटाला और आदर्श सोसाइटी घोटाला, अब वहाँ जो इकोनॉमिक विंग है वहाँ की वो अर्णब गोस्वामी को छोड़ करके लगा उनके पीछे, उसमें अजीत पवार का नाम था, उसमें कैसे कैसे लोगों के नाम थे पता है आपको, उसमें जो है इसमें इम्तियाज खत्री है, इम्तियाज खत्री का नाम लिया था, श्रुति मोदी के एडवोकेट है अशोक सराव की, जो श्रुति मोदी सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर, उसने लिया था उसका नाम आया हुआ है। इन्होंने तो क्या किया कि अजीत पवार को भेज दिया देवेंद्र फडणवीस के पास, तू जा करके और उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ले जा करके, ताकि जो है बीजेपी हमारी जाँच ना करवाए, इस चक्कर में सारा खेल किया गया है। हम आपको बता दें इन सबको दबाने का खेल चल रहा है, तीन तीन मुख्यमंत्रियों के नाम आए हुए थे आदर्श सोसाइटी घोटाले में, तो खुलवा लो उसको, इकोनॉमिक विंग आपके पास में है उसकी, मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक विंग है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टर तो भारत सरकार के पास में, या फिर आप जो लिखित में भारत सरकार को जो रिकमेंडेशन दे दो कि वो ईडी भेज दे, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखित में दे दो, तो वहां पे जाकर के इनकी जांच कर ले कि नहीं ये नहीं करना। वे तो जितने मामले अर्णब गोस्वामी के ना रिपब्लिक टीवी के, उसके तो 1000 FIR अंदर कितना कितना मामला, इकोनॉमिक विंग को उसका केस दे दिया उसको देंगे, इसके अलावा क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को मामला दे दिया, कंगना रनावत का, यानी कंगना रनावत का मामला खुलवाएंगे, अर्णब गोस्वामी का मामला खुलवाएंगे, संजय राउत का मामला बिल्कुल नहीं खुलवाएंगे, और ना ही जो है ये अजीत पवार का मामला खुलवाएंगे, और ना ये शरद पवार का मामला खुलवाएंगे, और ना ये इसमें जो एनसीपी के लीडर आए हुए हैं, चाहे वो नवाब मलिक है, चाहे कोई भी उसके रिश्तेदार हैं, इनका मामला बिल्कुल नहीं खुलवाएंगे। बॉलीवुड के सेलिब्रिटियों को एक शब्द नहीं बोलेंगे, एक ट्वीट नहीं करेंगे, सारे ट्वीट ईडी को लेकर करेंगे, भारत सरकार को लेकर करेंगे, बीजेपी को लेकर करेंगे, उनको बचाते रहेंगे, चाहे ड्रग्स में कोई खुलेआम नाम आ जाए, चाहे वो उसको पार्टी हो कुछ भी नहीं कहेंगे उसको, इनको जो कुछ भी कहना है ना वो बिल्कुल जो भारत सरकार को कहेंगे, कोर्ट को कहेंगे, इन एजेंसीज को कहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल साफ सुथरे, इनसे कोई कुछ नहीं कह सकता, ये बिल्कुल चाहे इनके अकाउंट में पैसे देने के सारे अकाउंटों की पूरी डिटेल आ जाए, उनके सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए जाए, फिर भी ये निर्दोष हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे हाथ में हमारा कानून है, और कोई हमारा जो बिगाड़ना चाहता है वो बिगाड़ के दिखा दे। तो खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस तरीके से अभी संजय राउत की वाइफ ने, वर्षा राउत ने, जो अभी 55 लाख रुपए वापस कर दिए, इसके बाद अब ईडी इन्हें फिर से समन भेजने वाली है इन सारी जानकारियों को लेकर। ऐसा है, ऐसे पैसे वापस करने से कोई निर्दोष साबित नहीं होता, पैसे लिए क्यों थे उसकी जानकारी देनी पड़ेगी कोर्ट में, ये क्या खेल है, मतलब तुमने पैसे लिए हैं जिस अकाउंट में, क्यों लिए पैसे और किस कारण से लिए हैं, जब तक आप उसकी पूरी पूरी जानकारी नहीं दे देंगे, जब तक आप 55 लाख रुपए लिए हैं प्रवीण राउत से, क्यों लिए हैं, किस कारण लिए हैं, क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा, उसकी जानकारी देनी पड़ेगी, और क्योंकि वो बंदा खुद एक्यूज्ड है, और वो जिसके SDI जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाता है, इस कंपनी को महाड़ा ने इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, जो मुंबई जो महाराष्ट्र डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, इसका मतलब जो एक्यूज है उससे पैसे लेने का काम है, साधारण मसला नहीं है, ऐसे पैसे वापस देने से कोई निर्दोष साबित नहीं हुआ आज तक,
ऐसे तो फिर क्या है, ऐसे जिनके घर में ड्रग्स निकल रहा है वो भी ड्रग्स निकाल के कह देंगे ले भाई मैं तो वापस कर रहे हैं इसको, इसका मतलब ड्रग्स वापस कर दिए, निर्दोष साबित हो गए वो। अरे ड्रग्स पाया गया तो इसका मतलब तो ये है कि उसको NDPS एक्ट के अंदर बुक किया जाएगा, इतना पाया गया है सजा होगी और इतना पैसा पाया गया है, उस आधार पर भी जो है ये फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अब तो इस चक्कर में घूम रहे हैं ये कि भाई किसी तरीके से हम इसको लीपापोती कर दें। लीपापोती करने के लिए अभी ये जो कभी क्रीट सोमैया को धमकी आ रही है, कभी किसी को धमकी आ रही है, इनका मतलब ये है कि तुम जो है तुम्हारे सारे घोटाले सेफ रहने चाहिए, तुमको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम तो चाहे तो जो है कांग्रेस पार्टी को भी जो है आप जो आंखें दिखा करके खुद ही बन करके रहेंगे और ये BJP को भी आंखें दिखा करके खुद ही बन के रहेंगे, लेकिन तुम निर्दोष साबित रहोगे चाहे तुम्हारे खुलेआम अकाउंटों में पैसे भेजे कोई। चलो मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, मैं इतना ही कहूँगा ये तो कुछ नहीं है, अभी तो और भी मामले सामने आने हैं, अभी तो अवध सोसाइटी घोटाले का मामला भी है इसमें जो है और भी वहाँ पे मामले, एक जो आर ए साइड का मामला भी है उसको मैं यहाँ नहीं खोल रहा हूँ फिलहाल। आर ए साइड जो इन्होंने जिस तरीके से मेट्रो का जो प्रोजेक्ट था इन्होंने अपने ही उसको जो है उसको अपने ही लोगों को मिले, इसलिए क्योंकि पहली बार वो देवेंद्र फडणवीस ने उसका ठेका छोड़ा था, तो अब इन्होंने सोचा कि भाई वो तो इसी के लोगों को मिला हुआ है BJP के लोगों को, तो अब वो ठेका हमको मिल जाए, तो इसके लिए इन्होंने जो उसको रद्द करके दूसरी जगह करने का प्लानिंग क्यों करी, ताकि हमारे लोगों को मिले। ये है सारी प्लानिंग, हम बता देते हैं आपको ये सारे प्लानिंग का हिस्सा। चलो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ, वो शिवसेना का एक नहीं क्योंकि एक प्रताप सरनायक था उसके घर पर पाकिस्तानी कार्ड मिल गया था, ऐसे ये दुनिया भर के लोग इसमें आए हुए हैं। तो मैं तो इसमें यही कहना चाहूँगा भारत सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को, इनको और भी ज़्यादा टाइम दें एजेंसीज़ को, और जितना ये करके दिखा रहे हैं इनका पता लग जाएगा, अभी कुछ टाइम में पता लग जाएगा कैसे पैसे लेते हैं जब वहाँ बुक होंगे ना वहाँ पर, और जब इन पर धाराएं चलेंगी अलग अलग मामलों में, जब इन पर मामला चलेगा इन पर और ये बुक होंगे उनके अंदर, तब संजय राउत को सब समझ में आ जाएगा और तब उन्हें ये पता लग जाएगा कि भाई सामना में क्या क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, सामना का आमना सामना हो जाएगा इनका। धन्यवाद सर।